में जुटी पहले चरण में संगठन में बदलाव करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर इसका खाका तैयार कर लिया है। संगठन में जिला अध्यक्षों के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं को मौका मिल सकता है। संगठन स्तर पर कांग्रेस के बदलाव की प्रक्रिया पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आने वाले साल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब अपने संगठन में जिला स्तर पर काफी बदलाव करने जा रही है, जिसका खाका अगले साल की शुरुआत में देखने को मिलेगा। शीतकालीन विधानसभा सत्र में मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर शिवराज सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश भी की गई। कमलनाथ सहित प्रदेश के नेताओं का दिल्ली के आलाकमान से मिलने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। फ्लेवर आ चुका है इसी साल, अगले साल में तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं बार बार कहता हूँ, अब 114 नहीं 174 से ज्यादा। कांग्रेस प्रदेश संगठन ने कई जिलों के जिला अध्यक्ष बदलने का फैसला कर लिया है। संगठन में सबसे ज्यादा बदलाव ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ग्वालियर चंबल के सभी जिलों में नई टीम बनाना चाहती है। ऐसे में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, निवाड़ी, मुरैना, अशोकनगर, श्योपुर सहित प्रदेश के कुल 16 से ज्यादा जिलों में जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। किसी भी संगठन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, उसका पालन होगा। दरअसल ग्वालियर चंबल में होने वाली सर्जरी के पीछे सबसे बड़ी वजह सिंधिया के साथ कांग्रेस विधायकों का बीजेपी में जाना है, जिनमें सबसे ज्यादा विधायक ग्वालियर चंबल के थे। ऐसे में ग्वालियर चंबल में सिंधिया कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता थे। ऐसे में पार्टी इस क्षेत्र में संगठन को सबसे मजबूत करना चाहती है। भले ही 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस का संगठन कमजोर है और कई गुटों में बटा हुआ है। प्रदेश के 52 जिलों में से 13 जिलों में तो कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।